हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये 9th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी स्कूल में हो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर दिया आपके लिए ताकि आपका टाइम बच सके। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें 216 है। पहले हमने उसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऐसे करेंगे कि ये जो अपॉन में पावर है इस फॉर्म में आए, तो हमने इसके 6 से फैक्टर करे, तो फैक्टर करने के बाद जो 6 आया वो 3 टाइम्स आया। ऐसे हमने 256 के फैक्टर करे, इस तरह से फैक्टर करे कि पावर 4 के फॉर्म में आए, तो ये 4 जो आया वो 4 बार आया। ये रहा आपके सामने फैक्टर, ये रहा। ऐसे हमने 243 के फैक्टर करे, इस तरह से फैक्टर करे कि उसकी पावर 5 के फॉर्म में आए, तो 3 जो है वो 5 टाइम्स आया। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो पावर है 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 की पावर -2 बचेगा। ये पावर 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 की पावर -3 बचेगा। 5 और 5 ये कैंसिल हो गया, 3 की पावर -1 बचा। हम जानते हैं जब पावर माइनस में होती है तो उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी 6 की पावर जो -2 है ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई में आ गया। ऐसे 4 की पावर जो -3 थी वो भी ऊपर आ गया, पॉजिटिव हो गया। ऐसे 3 की पावर जो -1 था ये भी ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी तीनों संख्या जो थी वो ऊपर आके मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में आ जाएगा। 4 अपनी जगह पर है, 6 की पावर 2 36 होता है, 1 अपनी जगह पर है, 4 की पावर 3 64 होता है, 2 अपनी जगह पर है, 3 पावर 1 3 होता है। 4 की 36 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 144 हो गया, 1 की 64 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने 64 हो गया, और 2 की 3 मल्टीप्लाई कर दिया आपने 6 हो गया। तीनों नंबरों को ऐड करने पर हमारे पास जो है वो 214 आ गया, और 214 जो है वो हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर इस वीडियो पर अपलोड करता हूँ, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।